हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम जनवरी से जुलाई तक के जो करंट अफेयर पढ़ रहे थे मध्य प्रदेश का, उसका आज भाग चार पढ़ेंगे। और ये जनवरी से जुलाई के टॉप 300 वन लाइनर है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, टू द पॉइंट है। जैसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है वैसे ही आंसर्स को मैंने कवर किया है। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं, लेकिन वन लाइनर फैक्ट नहीं मिलता है। और एग्ज़ाम में वन लाइनर फैक्ट ही इम्पॉर्टेंट होता है याद करने में, रिवीजन करने में। इसलिए मैंने ये जो नोट्स तैयार किया है करंट अफेयर का, ये वन लाइनर ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले, पहली बार है चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ का इन्फॉर्मेशन आप तक मिलता रहे। इसके पहले हम 71 क्वेश्चन पढ़ चुके थे और ये हमारे 72 क्वेश्चन हैं। किन जिलों में नया मृगनयनी शोरूम शुरू करने का निर्णय लिया है? मध्य प्रदेश सरकार ने नया मृगनयनी शोरूम शुरू करने का निर्णय लिया है, तो कहाँ पे किया है? ये लिया है सागर और छिंदवाड़ा में। सागर और छिंदवाड़ा में नया मृगनयनी शोरूम शुरू करने का निर्णय लिया, ये तत्कालीन जो सरकार थी कमलनाथ की, उन्होंने ये निर्णय लिया था। नेक्स्ट, द रॉयल हेरिटेज कलेक्शन क्या है? तो ये क्या है, ये मध्य प्रदेश के जो बुनकर हैं तो उनकी जो शादी विवाह की जो साड़ियाँ होती हैं उनका एक कलेक्शन है जिसको नाम दे दिया है द रॉयल हेरिटेज, रॉयल शादी के लिए इसलिए द रॉयल है नाम दिया। तो द रॉयल हेरिटेज कलेक्शन क्या है, तो मध्य प्रदेश के बुनकरों द्वारा बनाई गई साड़ियाँ हैं जो भारत के बाज़ार में इस नाम से उपलब्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नया मृगनयनी विक्रय केंद्र कहाँ शुरू किया गया? तो नया मृगनयनी विक्रय जो केंद्र है होशंगाबाद और बैतूल में शुरू किया गया। फ्रेंड्स, इसकी आप अगर PDF लेना चाहते हैं तो आप मेरे WhatsApp और Telegram ग्रुप से जुड़ सकते हैं, वहाँ आपको इसका PDF मिल जाएगा। मध्य प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने का प्रस्ताव भेजा है? अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय को भेजा है। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय जो भोपाल में है वह है सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनेगी, इसका प्रस्ताव भेजा गया है। आदर्श गौशाला का लोकार्पण तत्कालीन मुख्यमंत्री ने कहाँ किया? तो आदर्श गौशाला का जो लोकार्पण है वो तत्कालीन मुख्यमंत्री ने छिंदवाड़ा के पाटाधाना चंदन गांव है, छिंदवाड़ा में एक पाटाधाना जगह है, वहाँ पे एक चंदन गांव है, वहाँ पे आदर्श गौशाला का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री द्वारा लोकार्पित गौशाला कितने क्षेत्र में बनाई जा रही है? तो 1.31 हेक्टेयर क्षेत्र में बनाई जा रही है। कितने क्षेत्र में बनाई जा रही है? 1.31 हेक्टेयर क्षेत्र में बनाई जा रही है। नेक्स्ट है, अनंत गूंज कार्यक्रम जो स्कूली बच्चों का आयोजन है कब शुरू किया गया, मतलब कब किया गया उसका आयोजन? अनंत गूंज एक कार्यक्रम है जो बच्चों का सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करता है, तो इसको कब आरम्भ किया गया इसका आयोजन? तो इसका 8 से 9 जनवरी को इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्योगों के लिए लैंड पूलिंग पॉलिसी लाने वाला पहला प्रदेश कौन सा बन गया है? उद्योगों के लिए लैंड पूलिंग पॉलिसी लाने वाला पहला प्रदेश बन गया है मध्य प्रदेश, और इसके अंतर्गत 1.2 लाख एकड़ भूमि लाई जाएगी। तो उद्योगों के लिए लैंड पूलिंग पॉलिसी लाने वाला पहला प्रदेश कौन सा बन गया है? मध्य प्रदेश बन गया है। नेक्स्ट है, अनिल अंबानी द्वारा मध्य प्रदेश में निवेश करने जा रहे अनिल अंबानी का एक समूह है जो मध्य प्रदेश में निवेश कर रहा है, तो इस पर उन्होंने हमारे मध्य प्रदेश से 670 एकड़ की ज़मीन जो है मांगी थी, जिस पर मध्य प्रदेश सरकार ने उन्हें शिवपुरी में 60 एकड़ ज़मीन आवंटित की है। 670 पे उन्होंने अभी कोई जवाब नहीं दिया है। नेक्स्ट है, नर्मदा महोत्सव का जो आयोजन हुआ था वो कब से कब तक हुआ? नर्मदा महोत्सव का आयोजन 31 जनवरी से 2 फरवरी तक हुआ। डायबिटीज मरीजों के लिए हर्बल माइक्रोजेल का आविष्कार किसने किया? तो डायबिटीज मरीजों के लिए हर्बल माइक्रोजेल का आविष्कार जो किया था वो जिवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर में किया गया। डायबिटीज मरीजों के लिए हर्बल माइक्रोजेल का आविष्कार जिवाजी यूनिवर्सिटी जो ग्वालियर में है वहाँ के टीचर्स और छात्रों ने मिलकर किया। नेक्स्ट, एक हाथी पोल द्वार का एक जीर्ण उद्धार किया जा रहा है, तो ये कहाँ पे किया जा रहा है? तो हाथी पोल द्वार जो है उसका जीर्ण उद्धार मांडू के जहाज महल में किया जा रहा है। कहाँ पे? मांडू के जहाज महल में। नेक्स्ट है, US काउंसलर जनरल कौन है जिन्होंने तत्कालीन मध्य प्रदेश के राज्यपाल ने मुलाकात की? वो है श्री डेविड रेज थे, तो उस समय के जो हमारे राज्यपाल थे लालजी टंडन, जिनका अभी स्वर्गवास हो चुका है, तो उन्होंने
US काउंसलर जनरल से मुलाकात की थी, इसलिए ये क्वेश्चन आ जाता है, आ सकता है। तो कौन थे वो? श्री डेविड रेंस थे। नेक्स्ट है, 39वीं अखिल भारतीय गुलाब प्रदर्शनी का शुभारंभ कहाँ हुआ? 39वीं अखिल भारतीय गुलाब प्रदर्शनी का आयोजन भोपाल में आरंभ हुआ 4 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा मालवा गंभीर लिंक सिंचाई परियोजना का शुभारंभ कहाँ से किया गया और किसने किया? नर्मदा मालवा गंभीर लिंक परियोजना को जो हम सुरेंद्र सिंह बघेल जो नर्मदा घाटी विकास मंत्री हैं और तुलसीराम सिलावट जो उस समय तत्कालीन हमारे स्वास्थ्य मंत्री थे, तो उस समय का जो ये मंत्रिमंडल था उन दोनों ने मिलकर इंदौर के सावेर गांव के पाल कांकरिया में, इंदौर में सावेर है, वहां का एक गांव है पाल सांकरिया, वहां पे नर्मदा मालवा गंभीर जिंक परियोजना का शुभारंभ किया। नेक्स्ट है, बन फॉर सोरो टू फॉर जॉय का विमोचन किया, ये किसकी कथाओं का संग्रह है? बन फॉर सोरो टू फॉर जॉय, ये इसका जो विमोचन किया गया, ये पुस्तक है, इसका विमोचन किसने किया? इसका विमोचन तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ ने किया। और ये किसकी कथाओं का संग्रह है? ये तो एंटोनी डिसा जो है उनकी कथाओं का ये संग्रह है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे खुले शौच से मुक्त किया गया? तो उज्जैन का मार्कडॉन है, उज्जैन का गाँव कौन सा है? मार्कडॉन, मार्कडॉन को खुले में शौच से मुक्त किया गया। नेक्स्ट है, सुशीला देवी पुरस्कार किसे दिया गया? सुशीला देवी पुरस्कार शुभांगी स्वरूप को दिया गया। सुशीला देवी पुरस्कार किसको दिया गया? सुशीला देवी पुरस्कार जो है शुभांगी स्वरूप को दिया गया, और ये जो है अंग्रेजी में लेखन करती हैं, तो सुशीला देवी पुरस्कार शुभांगी स्वरूप को दिया गया अंग्रेजी में लेखन के लिए। नेक्स्ट है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर मध्य प्रदेश में किसको बनाया? संजन धम्मा को बनाया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया? संजन धम्मा को बनाया। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ाने के लिए किसके जनजीवन पर फिल्म बनाई जाएगी? पातालकोट जो है छिंदवाड़ा में, जो पातालकोट है वहाँ उसके जो उसका जनजीवन कैसा है उस पर एक फिल्म बनाई जा रही है। वो फिल्म कौन कहाँ पे बनाई जा रही है? पातालकोट में। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ाने के लिए पातालकोट के जनजीवन पर फिल्म बनाई जा रही है। नेक्स्ट है, कहाँ से निजी ट्रेन चलाने की तैयारी चल रही है? तो इंदौर से एक निजी ट्रेन बनाने की तैयारी चल रही है। कहाँ से चल रही है? इंदौर से एक निजी ट्रेन बनाने की तैयारी चल रही है। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। ऐसे और क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। डेली प्रीलिम्स के वीडियो, MBBSC मेंस के वीडियो, करंट के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्दी ही मैं ऑल ओवर करंट भी स्टार्ट करने जा रही हूँ, जो कि आपका वर्ल्ड लाइनर फॉर्म में ही रहेगा, जिसमें आपको इंडिया और इंटरनेशनल दोनों के कवर रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।